आज हम बनाएंगे ब्रेड रोल, जिसके लिए मैंने दो बड़े साइज के आलू को बॉईल करके मैश कर लिया है और इसमें मैंने मिलाया है प्याज, दो हरी मिर्च कटी हुई, थोड़ा सा धनिया पत्ता कटा हुआ, और इसमें अब हम ऐड करेंगे कुछ मसाले, थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च और थोड़ा सा आमचूर पाउडर। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से मिक्स करना है जिससे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए मिक्स हो चुका है और हम ब्रेड तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने साइड्स को अच्छे से काट लिया है, मैंने कैंची से काटा है जिससे कि ये ब्रेड फटे नहीं और इन साइड्स को फेंकना नहीं है। ये सारे साइड्स को अब मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए ये ग्राइंड हो चुका है और अब इसे मैंने अपने मिक्सर में मिला दिया है और अब हम तैयार करेंगे रोल। तो रोल बनाने के लिए मैंने ब्रेड लिया है, इस पे मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया है जिससे कि ये रोल बन जाए अच्छे से, और इस पे मैंने थोड़ा सा मिक्सचर ऐड किया और इसे कुछ इस तरीके से रोल करना है, इससे ये फटता नहीं है। ये देखिए फिर से इस पे मैंने थोड़ा पानी ऐड किया है मॉइस्ट करने के लिए ये मिक्सचर, और इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। मैंने यहाँ पे लंबे लंबे साइज़ में बनाया है, आप चाहे तो गोल बना सकते हैं। और इसे अब डीप फ्राई करेंगे, जिसके लिए मैंने तेल में रोल को डाल दिया है, इसे मीडियम फ्लेम पे मैंने फ्राई किया है। ये देखिए ये अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। कैसा बना है आप बताइए ज़रूर मुझे।